नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की तह तक। इस चुनाव में दो बातें हुई, एक तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, दूसरे कांग्रेस और इंडी गठबंधन का चमत्कार। दो शहजादों ने बीजेपी से यूपी का मजबूत गढ़ छीन लिया, उसी यूपी का जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लगातार दो विधानसभा चुनाव हारने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर समेट दिया, जबकि बीजेपी और एनडीए ने यहां सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। यूपी में सीटें कम रह जाने से बीजेपी का अपने बलबूते फिर बहुमत हासिल करने का सपना भी टूट गया। 2019 के चुनाव में एनडीए को कुल 253 सीटें मिली थी, इनमें बीजेपी की अकेली 303 सीटें थी। तो आइए चलते हैं बीजेपी के मजबूत गढ़ों के ढहने की तह तक। माना जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की राह यूपी से ही निकली थी। दूरगामी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को अपनी दूसरी लोकसभा सीट बनाया था। इस बार भी वह वाराणसी से जीत गए हैं, लेकिन उनका मार्जिन बहुत घट गया है। यही नहीं, यूपी के 7 मंत्रियों की हार ने भी बता दिया कि बीजेपी का जमीनी मुद्दों से खास लेना देना नहीं था। सिर्फ बुलडोजर और लाभार्थी सुविधाएं चुनाव जीतने की गारंटी नहीं हो सकती। गारंटी चली राहुल गांधी की कि महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। ये दूसरी बात है कि लखनऊ और कई अन्य शहरों में मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर पैसे मांगने पहुंचने लगी हैं, जहां से खाली हाथ लौटना उनकी मजबूरी है। सच तो यह है कि अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का एक ऐसा समीकरण बनाया कि मोदी योगी की डबल इंजन सरकार फेल हो गई। 33 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अयोध्या में राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, इसके सहारे बीजेपी और एनडीए को इस बार पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ देने का विश्वास था। लेकिन उस अयोध्या से ही बीजेपी के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह चौहान हार गए। कहते हैं कि योगी सरकार ने अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पर जितनी दुकानों और पुश्तैनी घरों को तोड़ा था, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, इसे लेकर लोगों में नाराजगी थी। रही सही कसर बीजेपी के छुट भैया नेताओं ने आरक्षण और संविधान को बदलने वाला बयान देकर पूरी कर दी। पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में विवादित बयानों को कवर करने की कोशिश पूरी की, लेकिन असफल रहे। उल्टे बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान समस्या और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग की अनदेखी जैसे मुद्दे लोगों के जिहन में उतरते चले गए। बीजेपी का अति आत्मविश्वास जमीन पर चल रहे इन बदलावों को भांप नहीं पाया। यूपी में एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर मायावती की बसपा का पूरे दमखम से चुनाव में नहीं उतरना भी रहा। आज समाजवादी पार्टी यूपी में अगर बड़ी ताकत बनकर उभरी है तो इसकी कई वजहें हैं, जैसे अखिलेश यादव ने टिकटों का बंटवारा और कई सीटों पर टिकटों में जिस तरह बदलाव किया वो रणनीति कारगर रही। असल में जब कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने अपने परिवार के 5 सदस्यों को ही चुनाव में उतार दिया। फिर कई सीटों पर गैर यादव, ओबीसी, एससी और अगड़ी जातियों को हिस्सेदारी दी। वहीं बहुत अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बचा लिया। इससे मतदाताओं को बहुत हद तक हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं बांटा जा सका। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी ने सीटें बढ़ने की उम्मीद में जिन पार्टियों को तोड़ा था उनका ही प्रदर्शन बेहतर रहा। इससे बीजेपी और एनडीए को काफी नुकसान हुआ। कांग्रेस को 13 सीटें मिली तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 9 सीटों पर विजयी रही, जबकि शिंदे गुट वाली शिवसेना 7 ही सीट जीत सकी। अजीत पवार गुट वाली एनसीपी का हाल और खराब रहा, वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई, जबकि शरद पवार गुट को 8 सीटें मिली, 1 सीट अन्य के खाते में। बीजेपी इस बात से खुश हो सकती है कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाली पार्टी बन गई है, क्योंकि केरल में पहली बार कमल खिला है, त्रिशूर में बीजेपी पहली बार जीती है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है। इतना ही नहीं, जिस बिहार में सीटों का बड़ा नुकसान होने का डर था वहां भी एनडीए 40 में से 30 सीटें बचा ले गया।
बीजेपी को जाट मतदाताओं ने भी निराश किया है। 2019 में हरियाणा और राजस्थान में लोकसभा की सभी सीटें जीतने वाली बीजेपी इन दोनों राज्यों में औंधे मुंह गिरी। हरियाणा में पिछली बार की तुलना में आधी यानी 5 सीटें रह गई, जबकि राजस्थान में 25 से घटकर 14 ही रह गई। जिस पश्चिम बंगाल में इस बार सीटें बढ़ने का अनुमान था, वहां उल्टे 6 सीटें और कम हो गई। ममता बनर्जी ने एक ला चलो की रणनीति पर चलते हुए अपने विरोधी वोटों का बंटवारा होने से रोक दिया। इसमें सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को हुआ। हिंदू वोट बढ़ जाने से बीजेपी की सीटें कम हो गई। इस तरह बीजेपी के लिए ये विश्लेषण का विषय है कि यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे मजबूत गढ़ों में ही उसका किला क्यों ढह गया, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में सीटें क्यों कम हो गई। कहीं इसका कारण एकमात्र मोदी पर अति निर्भरता तो नहीं। अगर आगे भी हमारे साथ जुड़कर किसी खबर की तह तक चलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।